लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। और ये वीडियो मैं बना रहा हूँ स्पेशली, उनका नाम तो मेरे को पता नहीं, लेकिन मैंने इससे पहले एक वीडियो डाला था मेरा एक गिटार से रिलेटेड, तो उस वीडियो में एक कमेंट आया हुआ है, वो आपको मैं फोटो ऐड कर दूंगा। उन्होंने कमेंट किया था कि ये गिटार के बारे में और कुछ बताओ और ज़्यादा कुछ बताओ, तो भाई वो वीडियो में मैंने ऑलरेडी सब कुछ बताया हुआ है, फिर से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। ज़्यादा टाइम नहीं मिलता है इसलिए मैंने, आपने 2-3 दिनों पहले कमेंट किया हुआ था, मेरे को टाइम नहीं मिलता है, टाइम नहीं निकल पा रहा था, तो आज मैं फाइनली बना रहा हूँ ये वीडियो जैसे तैसे करके फटाफट। तो ये गिटार के बारे में मैं और कुछ बताऊँ तो ये गिटार वर्ल्ड कंपनी का है, मेरे को नाम भी ठीक से प्रोनाउंस करने के लिए नहीं आता, वर्ल्ड कंपनी का गिटार है, 5000 में आता है ये गिटार, और स्पेशली लेफ्ट हैंडों के लिए डिजाइन किया हुआ गिटार है, ठीक है। तो देखो इसका ये सेफ डिजाइन जो है ना, अपन लेफ्ट हैंडों के लिए डिजाइन किया हुआ गिटार है। और इसमें सबसे बड़ी बात, अपन लोग गिटार लेते हैं तो ध्यान देने वाली बात क्या रहता है, ये जो गिटार का ये स्ट्रिंग, ये जो तार रहता है, ये तार और ये निक दोनों का डिस्टेंस किसी किसी गिटार में ऊपर रहता है, बहुत ऊपर रहता है, दूर रहता है। तो उस वैसा गिटार में अपन को क्या होता है, जो नया नया लोग रहते हैं अपन जैसा बिगिनर्स, तो उनको ये कॉर्ड प्रेस करने के लिए थोड़ा मुश्किल पड़ता है, मतलब ये हाथ का फिंगर दुखता है ना, तो ऊपर अपन उसको ज़्यादा अच्छे से प्ले नहीं कर पाते, प्रेस नहीं कर पाते, बार कॉर्ड प्ले नहीं कर पाते ऐसा। तो ये गिटार में वो प्रॉब्लम नहीं है, इसका स्ट्रिंग और निक का डिस्टेंस एकदम बराबर है, पास में ही है, बहुत पास में ही है, तो ये इसमें ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है स्ट्रिंग और निक का। और इसमें ट्रस्ट रॉड भी है, इसमें ट्रस्ट रॉड भी है, अगर आपको थोड़ा नीचे ऊपर करना पड़ा तो अपन कर सकते हैं, इसमें वो नट भी दिया हुआ है। इसके साथ में ये 5000 का गिटार है, इसके साथ में सब कुछ आता है, जो गिटार को लगता है वो सब कुछ आता है A to Z, सिवाय इसको छोड़ के कैपो, एक कैपो नहीं आया था साथ में, बाकी सब कुछ आया था इसके साथ में ये गिटार का बॉक्स में, अमेजोन में मैंने परचेस किया हुआ है। और इसका बिल्ड क्वालिटी भी एकदम मस्त है, ग्लोसी फिनिशिंग है इसका, देखो ठीक है। और इसमें ये फुल्ली अकोस्टिक गिटार है, इसमें ये जैक का ऑप्शन है, अपन को अगर इसको अपन स्पीकर पे प्लग इन नहीं कर सकते, अटैच नहीं कर सकते, ठीक है। फुल्ली अकोस्टिक बोले तो उसमें जैक का ऑप्शन नहीं रहता है, अगर सेमी अकोस्टिक गिटार बोले तो, अगर आप लोग कोई भी ऑनलाइन देख रहे हो परचेस करने के लिए, तो उसमें गिटार में सेमी अकोस्टिक लिखा हुआ होगा तो वो उसमें जैक का ऑप्शन रहता है, ठीक है, जैक का ऑप्शन रहता है, उसमें इक्वलाइजर रहता है। अगर फुल्ली अकोस्टिक लिखा हुआ गिटार आपने परचेस किया, अगर आपने देखा तो उसमें इक्वलाइजर भी नहीं रहेगा, प्लस उसमें ये जैक का ऑप्शन भी नहीं रहेगा, ठीक है, जिसमें दिख रहा होगा आपको, जैक भी कुछ भी नहीं रहता है, बाकी इसमें सब कुछ ठीक ठाक है। मेरे को अपना पर्सनल ओपिनियन बताऊँ तो मेरे को बहुत ही अच्छा लगा ये गिटार 5000 में, और ज़्यादा बड़ा भी नहीं है, एकदम मीडियम साइज का है, बजता भी अच्छा है, 2-3 महीना हुआ है अभी ये गिटार मैंने खरीद के, अमेजोन से खरीदा हुआ था, तो अभी तक इसका कंडीशन बहुत ही अच्छा है, कुछ भी हुआ नहीं है। और मैं आपको बता दूं, इस गिटार का बिल्ड क्वालिटी एकदम ही मतलब बहुत ही अच्छा है, इसका बिल्ड क्वालिटी जो है वो बहुत ही अच्छा हुआ है, ग्लोसी अच्छा है, ग्लोसी फिनिशिंग है, देखो एकदम शाइनिंग वाला, और बिल्ड क्वालिटी बहुत ही मजबूत है। वैसे भी अगर आप इसको अच्छे से इस्तेमाल करोगे, अच्छे से प्ले करोगे, संभाल के प्ले करोगे, तो ये बहुत ही लंबा जाएगा। और मैं स्पेशली मेरा अपना ओपिनियन बताऊँ तो, अगर आप लेफ्ट हैंड से गिटार प्ले करते हो तो ये आपको लेना चाहिए, बिल्कुल बिगिनर्स के लिए तो बहुत ही अच्छा है, इसका स्ट्रिंग और निक इसका डिस्टेंस भी बहुत ही पास में ही है, तो अपने को कॉर्ड प्ले करने के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। अगर नेक और स्ट्रिंग पास में नहीं, थोड़ा दूर रहता है, तो अपन को स्ट्रिंग को प्रेस करने के लिए अपना फिंगर में दर्द होता है, थोड़ा प्रेस नहीं कर पाते, तो ये इसमें वो सा कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, बहुत ही अच्छा है, मैं बार कॉर्ड भी इसमें अच्छे से प्ले कर पाता हूँ।
ओके तो अगर आप लेफ्ट हैंड से गिटार प्ले करते हो तो बिल्कुल आपको ये गिटार लेना चाहिए, 5000 रुपये का गिटार है, इसके साथ सब कुछ आता है, सिवाय इसको छोड़ के सब कुछ आता है, ठीक है। और वही है, अभी तक बहुत ही अच्छा चल रहा है, बस 2-3 महीना ही हुआ है मैंने ये गिटार लेके। तो भाई लोग, अगर आप लोग भी ये गिटार लेने का सोच रहे हो तो, अगर आप लेफ्ट हैंड से प्ले करते हो तो आपके लिए ये गिटार बहुत ही अच्छा है, बेहतरीन है। देखो इसका और भी कुछ आपको दिखाता हूँ, इस टाइप का दिखता है ऊपर का, ये नट वीट क्या क्या है, अकड़म बकड़म सब कुछ ऐसा डिजाइन है। बाकी ये इसका बिल्ड क्वालिटी 5 out of 5 इसमें इसका बिल्ड क्वालिटी में। और अगर आपको इसमें ना ये गिटार को, अगर आपको ये गिटार को अगर आप स्पीकर पे प्ले करना अटैच करना चाहते हैं तो इसमें एक ये आता है पिकअप बोल के आता है, एक्सटर्नल पिकअप बोल के जो इधर लगता है वो, और उसका अगर लंबा तार निकला हुआ रहता है वो तार को अपन स्पीकर पे किधर भी प्लग इन कर सकते हैं। तो यही था, और ये वीडियो थोड़ा आपने मुझे 2-3 दिन पहले कमेंट किया हुआ था कि वीडियो के बारे में फुल डिटेल्स में बताओ, तो मेरे को टाइम नहीं मिलता ना, मैं अपना ड्यूटी पे रहता हूँ, अपना काम पे रहता हूँ, थका हुआ रहता हूँ, दिन में थोड़ा मोबाइल पर देखना पड़ता है, तो टाइम नहीं निकाल पा रहा था, टाइम नहीं दे पा रहा था। तो अभी ये मैंने जैसे तैसे करके अभी रात का 11:30-12 बज चुका होगा ये बनाया हुआ है। वीडियो को लाइक कीजिए, लाइक कर दो वीडियो को, और सब्सक्राइब करो अपना चैनल को, और उतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड लिव योर ड्रीम, लिव योर लाइफ, लव यू ऑल, बाय बाय।